दुनिया तक पर टॉप फाइव में देखिए। पड़ोसी देश म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है। म्यांमार की सेना ने वास्तविक नेता आंग सान सू ची और राष्ट्रपति विन मियंट को हिरासत में ले लिया और एक साल के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया है। म्यांमार टेलीविजन का कहना है कि सेना ने एक साल के लिए देश पर नियंत्रण कर लिया है। सेना के कमांडर इन चीफ मिन आंग हाइंग के पास सत्ता जाती है। म्यांमार सेना का कहना है कि चुनाव धोखाधड़ी के जवाब में तख्तापलट की कार्रवाई की गई है। इस तख्तापलट के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में सेना की टुकड़ियों की तैनाती की गई है। म्यांमार के मुख्य शहर यांगून में सिटी हॉल के बाहर सैनिकों को तैनात किया गया है ताकि कोई तख्तापलट का विरोध ना कर सके। पाकिस्तान के एक पूर्व राजनयिक ने आरोप लगाया है कि आतंकी संगठन अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का समर्थन किया था और उन्हें पैसा भी मुहैया कराया था। शरीफ के मंत्रिमंडल की सदस्य रह चुकी आबिदा हुसैन ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा कि हाँ, ओसामा कभी मियां नवाज शरीफ का समर्थन करता था। वो एक जटिल कहानी है। ओसामा शरीफ को इकोनॉमिकली हेल्प भी करता था। आबिदा हुसैन ने चैनल को बताया कि एक समय बिन लादेन लोकप्रिय था और अमेरिका समेत सब उसे पसंद करते थे, लेकिन बाद में सब ने उससे दूरी बना ली। रूस की जेल में बंद विपक्ष के नेता अलेक्सी नोवलनी की रिहाई की मांग को लेकर रविवार को हजारों लोग सड़कों पर उतरे। इस प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस घटना के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 5,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। नोवलनी की पत्नी यूलिया को भी प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल प्रशासन इस प्रदर्शन से निपटने की कोशिशों में जुटा है। पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल होने वालों के लिए कड़ी चेतावनी जारी की है। श्रीलंका, जापान और भारत के बीच त्रिपक्षीय पूर्वी कंटेनर टर्मिनल परियोजना को मंजूरी देने की श्रीलंकाई कैबिनेट की रिपोर्ट के बावजूद प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने रविवार को किसी भी देश के साथ किसी भी प्रकार के समझौते को बेचने से इनकार किया। रविवार को मीडिया से बात करते हुए जब भारत और जापान के साथ ईसीटी त्रिपक्षीय समझौते के बारे में उनसे पूछा गया तो पीएम राजपक्षे ने कोलंबो में कहा कि कोई इशू नहीं है, हमने इसे किसी को बेचा या पट्टे में नहीं दिया है, ये हमारे कंट्रोल में है। अगर ट्रेड यूनियनों ने आकर हमसे बात की होती तो मैंने उन्हें यही बताया होता, लेकिन मैं जानता हूँ कि उन्हें इस बारे में पहले से पता है। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10.35 करोड़ से ज़्यादा हो गया। 7,51,00,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 22,37,000 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वोन डेर ने कहा कि फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने उन्हें यूरोपियन यूनियन के लिए वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने का भरोसा दिया है। ये कंपनी साल के पहले 4 महीनों में एक्स्ट्रा 90,00,000 डोज सप्लाई करेगी। इस दौरान कंपनी कुल 4 करोड़ डोज देगी। 100 साल के कैप्टन टॉम मूर को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में एडमिट कराया गया है। आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन मूर ने पिछले साल नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए लाखों पाउंड जुटाए थे।